नमस्कार दोस्तों, मैं रुपेश कुमार और आप देख रहे हैं हमारा इलेक्ट्रिकल चैनल बोल बुल बुल। दोस्तों, आज का वीडियो में हम जानेंगे कंट्रोल ट्रांसफार्मर को कैसे चेक करेंगे। यानी कंट्रोल ट्रांसफार्मर तो आपने देखे होंगे, लेकिन कंट्रोल ट्रांसफार्मर को आप कैसे चेक करेंगे, कंट्रोल ट्रांसफार्मर सही आउटपुट दे रहा है कि नहीं, आप कैसे उसको चेक करेंगे। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये वाला ट्रांसफार्मर एक सेल टाइप ट्रांसफार्मर है। जैसा कि आप जानते हैं, ट्रांसफार्मर दो टाइप का होते हैं, कोर टाइप और सेल टाइप। तो ये वाला ट्रांसफार्मर सेल टाइप ट्रांसफार्मर है। सेल टाइप ट्रांसफार्मर कैसे पहचानेंगे दोस्तों? ट्रांसफार्मर में दो वाइंडिंग रहते हैं, प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग। लेकिन ये जो ट्रांसफार्मर आप देख रहे हैं, इसका आपको एक ही वाइंडिंग दिखाई दे रहा है। बीच वाला पोर्शन में उसका पूरा वाइंडिंग पार्ट है। यानी ये जो वाइंडिंग है, यानी बीच वाला लीम में आपको प्राइमरी वाइंडिंग भी है और सेकेंडरी वाइंडिंग भी मौजूद है। अगर आपको ट्रांसफार्मर का दो वाइंडिंग क्लियर नजर आ रहे हैं, यानी एक वाला एंड पे एक लिम पे एक वाइंडिंग, दूसरे वाला लिम पे और एक वाइंडिंग नजर आ रहा है, यानी एक प्राइमरी है, दूसरा वाला सेकेंडरी, तो उसी टाइप का ट्रांसफार्मर का हम बोलेंगे कोर टाइप ट्रांसफार्मर। और इसी टाइप का ट्रांसफार्मर का बोलेंगे सेल टाइप ट्रांसफार्मर। यहाँ पे दोनों एंड पे दो सेपरेट वाइंडिंग नहीं है, बीच वाला लिम पे प्राइमरी है और साथ ही साथ सेकेंडरी वाइंडिंग मौजूद है। तो आज का वीडियो में हम जानेंगे कि ये जो ट्रांसफार्मर, देखिए इसका रेटिंग क्या है दोस्तों, 415 वोल्ट लिखा गया है। यानी प्राइमरी 415 वोल्ट और सेकेंडरी 36 वोल्ट। तो आज हम इसको कैसे टेस्ट करेंगे? तो सबसे पहले दोस्तों, प्राइमरी में हम 415 वोल्ट सप्लाई देके देखेंगे सेकेंडरी पे कितना आ रहा है, और उसके हिसाब से हम लोग उसका रेशियो भी निकाल लेंगे। प्राइमरी में 415 वोल्ट अप्लाई करेंगे और सेकेंडरी वोल्टेज कितना आ रहा है सेकेंडरी वाइंडिंग पे, उसको मेजर करेंगे। उसके हिसाब से उसका रेशियो हमको पता चल जाएगा, प्राइमरी टू सेकेंडरी। एक्चुअली 415 वोल्ट देने पे ये 36 वोल्ट दे रहा है कि नहीं, उसको देखेंगे। और साथ ही साथ अगर हम 240 वोल्ट देंगे प्राइमरी साइड पे, तो सेकेंडरी पे कितना आ रहा है ये भी चेक करेंगे। और मान लीजिए हम लोग सेकेंडरी पे हम लोग 24 वोल्ट सप्लाई दिए, तो प्राइमरी में कितना वोल्ट आएगा ये भी हम चेक करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, ट्रांसफार्मर लिखा गया है इन 415 वोल्ट, यानी प्राइमरी 415 वोल्ट और सेकेंडरी 36 वोल्ट लिखा गया है। आउटपुट 36 वोल्ट और यहाँ पे VA रेटिंग लिखा गया है 25 VA। तो दोस्तों, ये रेड वाला जो वायर है प्राइमरी वायर है, और ये जो पर्पल कलर का जो वायर है वो सेकेंडरी वायर है। तो पहले हम दोस्तों 415 वोल्ट अप्लाई करके देखते हैं, प्राइमरी पे 415 वोल्ट अप्लाई करके देखते हैं। आप एक मल्टीमीटर का इस्तेमाल करके वोल्टेज को मेजर करेंगे। तो देखिए दोस्तों, प्राइमरी में 415 वोल्ट सप्लाई हमने अप्लाई किया, ये MCB के थ्रू रेड कलर वाला वायर पे हमने 415 वोल्ट अप्लाई कर दिए हैं। दोस्तों, जैसा कि आप मल्टीमीटर में देख रहे हैं 415 वोल्ट, तो लिख लेते हैं एक नोट में, प्राइमरी वोल्टेज हमने अप्लाई किया 415 वोल्ट। तो दोस्तों, ये रेशियो कितना निकलेगा उसके लिए हमको सेकेंडरी पे क्या आ रहा है, अभी तो 415 वोल्ट अप्लाई कर दिए हैं, अभी देखिए सेकेंडरी में कितना आ रहा है। सेकेंडरी पे आ रहा है 39 वोल्ट। जैसा कि आप देख रहे थे, ट्रांसफार्मर में लिखा गया था प्राइमरी 415 वोल्ट और सेकेंडरी में आएगा 36 वोल्ट, लेकिन एक्चुअल में कितना आ रहा है दोस्तों, एक्चुअल में आ रहा है 39.5 वोल्ट। इसको हम लिख लेते हैं खाते में और फिर उसका रेशियो निकाल लेते हैं, प्राइमरी टू सेकेंडरी 415 वोल्ट डिवाइडेड बाय 39.5 वोल्ट। तो ये अप्रोक्सीमेटली 10.5 आ रहा है दोस्तों। तो हो गया दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, अभी प्राइमरी पे हम लोग 240 वोल्ट अप्लाई करते हैं। प्राइमरी पे 240 वोल्ट अप्लाई किया दोस्तों, देखिए रेड वाला वायर पे हमने 240 वोल्ट सप्लाई अप्लाई किया, तो इसका सेकेंडरी क्या निकलता है दोस्तों, इसका सेकेंडरी जब भी हमने मेजर किया तो निकला 22.5 वोल्ट। और इसका रेशियो निकाल लेते हैं, प्राइमरी टू सेकेंडरी 240 वोल्ट डिवाइडेड बाई 22.5, ये भी अप्रोक्सीमेटली 10.4 रेशियो। फर्स्ट वाला रेशियो हमने निकाला था 10.5 और दूसरा वाला में भी हमने पाया 10.4 के आसपास। तो चलिए दोस्तों, अब हम सेकेंडरी पे 24 वोल्ट एसी सप्लाई अप्लाई करेंगे और प्राइमरी में क्या आ रहा है देखते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं दोस्तों, सेकेंडरी साइड पे हमने 24 वोल्ट सप्लाई अप्लाई कर दिया है, पर्पल कलर का वायर पे हमने 24 वोल्ट सप्लाई अप्लाई किया है। अभी रेड वाला वायर जो प्राइमरी वाइंडिंग का साइड वाला है, उस पर हम मेजर करेंगे कितना वोल्टेज आ रहा है। सेकेंडरी पे हमने अप्लाई किया है 24 वोल्ट एसी, अभी प्राइमरी पे देखिए दोस्तों कितना आ रहा है, 247 के आसपास आ रहा है। जैसा कि आप वाइंडिंग देख रहे हैं क्लियरली, सेकेंडरी साइड पे 24 वोल्ट सप्लाई अप्लाई किया गया है और उसके हिसाब से प्राइमरी पे आ रहा है 240 वोल्ट एसी। तो दोस्तों, आज का वीडियो पे आपने देखा, अगर एक
स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर पे आप प्राइमरी पे वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो आपको सेकेंडरी पे स्टेप डाउन होकर सप्लाई मिलेगा। अगर उसी सेम ट्रांसफार्मर को अगर आप सेकेंडरी साइड में सप्लाई दे देंगे तो ये लो वोल्टेज से आपको प्राइमरी पे हाई वोल्टेज मिलेगा। ट्रांसफार्मर का सेकेंडरी वोल्टेज उसका रेशियो के ऊपर डिपेंड रहता है। आप प्राइमरी पे 415 वोल्ट दिए, आपको मिला 39 वोल्ट, और प्राइमरी पे हमने जब 240 वोल्ट अप्लाई किया तो सेकेंडरी पे 22.5 वोल्ट सप्लाई मिला, यानी रेशियो हमेशा सेम रहता है दोस्तों। तो आशा करते हैं दोस्तों आज का वीडियो आपको काफ़ी कुछ पसंद आया होगा, आपको ट्रांसफार्मर रेशियो के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया हो गया होगा, और कंट्रोल ट्रांसफार्मर कैसे चेक करते हैं ये भी आपको मालूम हो गया दोस्तों। जैसा कि आप देखिए 36 वोल्ट लिखा गया था लेकिन 36 वोल्टेज नहीं मिल रहा है सेकेंडरी पे। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, और देखते रहिए बोल बोल बोल, इंतजार कीजिए हमारे अगले वीडियो का।